वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले ट्यूटोरियल पहले पार्ट हमने बना लिया, लेकिन दूसरा पार्ट को स्टार्ट करते हैं और इसको भी हम कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अक्सर लोग ये गलती करता है कि पहले इंफॉर्मेशन, इसके रूल रेगुलेशन का पता नहीं और टर्म्स एंड कंडीशन का पता नहीं, डायरेक्टली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो बाद में उसको जो है ना, बाद में वो पछताएगा और फिर कहेगा कि यार मैंने जो है ना ये काम क्यों नहीं किया। तो इसलिए जब भी कोई काम करते हो तो पहले से उसके कुछ रूल रेगुलेशन हैं, वो रूल रेगुलेशन को पढ़ लो, उसको समझो। अगर उसकी समझ आ गया तो ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो किसी दूसरे से पूछो, इसमें कोई बात नहीं। तो चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रीलांसिंग में जो डिस्कस किया तो वो तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। अब हम माइलस्टोन के बारे में बताएंगे कि माइलस्टोन पेमेंट सिस्टम फ्रीलांसिंग का क्या है। माइलस्टोन पेमेंट सिस्टम क्या है फ्रीलांसिंग में? तो मैं आपको ये कहूँ, अगर आप लोग देखें, आजकल लोग बहुत ज़्यादा चीटर हो गया, मतलब ये आपको धोखा दे सकते हैं, आप पर प्रोजेक्ट करे और आपको पैसे नहीं मिल जाए, तो इस तरह क्लाइंट भी डरता है। क्लाइंट भी डरता है, क्लाइंट ये सोचता है कि अगर मैंने उसको पैसे दे दिया, उसने मेरा काम नहीं किया, तो ट्रस्ट एक दूसरे पर करना बहुत मुश्किल की बात है। तो इसलिए फ्रीलांसिंग में माइलस्टोन बनाया, माइलस्टोन पेमेंट सिस्टम। माइलस्टोन पेमेंट सिस्टम क्या करता है, क्लाइंट से पैसे लेते हैं और अपने पास रखता है और डेवलपर को कहते हैं कि आप इसकी प्रोजेक्ट करो। जब इसकी प्रोजेक्ट डेवलपर कंप्लीट करे तो वो फ्रीलांसिंग को मैसेज करे कि मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और फ्रीलांसिंग उसको कहे कि प्रोजेक्ट सेंड करो। तो डेवलपर उसको प्रोजेक्ट सेंड करता है और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट क्लाइंट को सेंड करता है, क्लाइंट उसको चेक करता है। अगर क्लाइंट एग्री है तो फ्रीलांसिंग आपको पेमेंट करता है और अपना पीस कट करता है। अपना उसकी जो चार्जेस हैं वो चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा कि उसकी क्या चार्जेस हैं और वो क्या कैसे काम करता है। तो इसमें मैंने ये कहा था कि इसमें जो है ना ये बात हुई, अगर लेट सपोज और इसमें फीडबैक एंड राइटिंग की बात हुई कि फीडबैक और राइटिंग क्या है, तो इसमें ये है कि आपकी प्रोजेक्ट जो है ना उसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉयर आपको बेड लगाता है, आप उसको सेलेक्ट करोगे कि इसमें कौन सा, उसकी रेटिंग क्या है और इसकी फीडबैक क्या है। तो ये जो है ना था फ्रीलांसिंग के माइलस्टोन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट अ पीस डज फ्रीलांसर चार्जेस, यानी फ्रीलांसिंग की जो पीस है। आपने एक प्रोजेक्ट किया, लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें फ्रीलांसिंग आपसे कितना लेता है? तो इसमें यह कहा था कि फ्रीलांसिंग जब साइन अप जो है ना, फ्रीलांसिंग का फ्री है और प्रोजेक्ट को पोस्ट करता है आप फ्री में, बेट्स को जो है ना फ्री में कर सकते हो, रिव्यूज़ को फ्री देता है, मतलब रिव्यूज़ आप फ्रीलांसिंग से लेते हो, पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स, ये सब जो है ना क्या करते हो, आप फ्री कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने फ्रीलांसिंग को जो है ना चुन लिया, तो इसमें फ्रीलांसिंग का अपना क्या है, फीस है, वो डिपेंड करती है आपकी प्रोजेक्ट पर कि आपकी प्रोजेक्ट बड़ा है या छोटा है। लेकिन फ्रीलांसिंग इसको नहीं देखता कि इसमें जो है ना प्रोजेक्ट काम बड़ा है या छोटा है, लेकिन वो अपने चार्जेस लेता है आपसे, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी वो दरमियान वाला काम करता है क्लाइंट और एम्प्लॉयर या डेवलपर दोनों के दरमियान में काम करता है। तो फिर इसको ये है कि अगर आपने कास्ट जो कीमत है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट बड़ा है या छोटा है। लेकिन फ्रीलांसिंग अगर आपका फिक्स प्रोजेक्ट है, लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट में बात किया था कि मैं आपसे 1,000 ले लूँगा,
1,000 में से वो 3%, यानी 3% आप फ्रीलांसिंग आपसे ले लेगा, 3% फ्रीलांसिंग ले लेगा आपको, लेकिन वो क्योंकि वो उसमें डरने की बात नहीं है। अगर आपने काम किया था, काम पूरा हो गया, तो आपको जो है ना क्या करता है, आपसे आपको सारा पैसे आपको सेंड करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3% आपसे लेता है। 3% से अगर आप 1 घंटे वाली यानी हावरली काम करते हो, वो भी 3% आपसे लेता है। तो इस तरह क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट पोस्ट किया था, लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये प्रोजेक्ट की प्राइस मैंने ज़्यादा बताया, या प्रोजेक्ट उसका आइडिया चेंज हो गया, तो वो अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकता है डैशबोर्ड से हर टाइम। यानी इसमें जो है ना ऐसा बात नहीं है कि अगर किसी ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था, बाद में उसको रियलाइज़ हो गया कि मैंने ये प्रोजेक्ट सही नहीं किया, तो उसको वो आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, और उसकी जितने भी पेमेंट हैं यानी उसने जितना पैसे दे दिया फ्रीलांसिंग को, वो उसको रिफंडेबल होगा। लेकिन इसमें अगर आप देखें, इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है ना वो डेवलपर की है। लेट सपोज अगर एक क्लाइंट ने जो है ना प्रोजेक्ट उसको यानी उसको पसंद ना आया, तो वो क्या करता है, वो उसको कैंसिल कर सकता है, और क्लाइंट को जो है ना पैसे वापस यानी रिफंड होगा, और फिर इसमें डेवलपर्स को कुछ भी नहीं मिल जाता है। तो इसलिए ये डेवलपर्स के लिए नुकसानदेह बात है। तो ये बस चलो ये तो रिलेटेड है, लेकिन पहले जो है ना आप पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग ऐसा काम करते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, क्लाइंट से बात करते हो, तो इस तरह लोग इस पर बात करते हैं कि अगर मैंने 10% काम किया तो आप मुझे 10% पैसे सेंड करोगे, अगर मैंने 20% काम किया था तो 20% आप पैसे सेंड करोगे। तो इस तरह परसेंट के ज़रिए आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा और उन लोगों का काम भी कंप्लीट होगा। तो आप कभी भी ये कोशिश ना करो कि मैं किसी को धोखा दे दूँ। अगर आप खुद से सोचो, अगर आपने धोखा दे दिया, तो एक फ्रीलांसिंग ने आपकी प्रोफाइल पर लिख दिया था, कोई अच्छा सा कमेंट नहीं दिया, कोई लिख दिया चेटर वगैरह या कुछ और भी लिख दिया, तो फिर जो है ना आपको मसला क्रिएट होगा, कोई भी आप पर भरोसा नहीं करता और ना आपको कोई काम देता है। तो इसलिए जब भी कोई काम करते हो तो प्रोफेशनल तरीके से, एडवांस तरीके से करो, और इसमें अपना आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना स्किल्स को डेवलप करो सारी दुनिया में। लेकिन दुनिया में वो लोग कामयाब हैं जो लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। लेकिन इसमें चीटिंग वगैरह से कुछ भी नहीं होता, और इसमें मैं खुद भी जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो ये था आज हम दूसरा पार्ट, तो इंशाल्लाह तीसरे पार्ट में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रीलांसिंग के बारे में, तो आप मेरे वेबसाइट पर जाओ, उधर से वेबसाइट में आपको हर एडवांस लेवल यानी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आपको इधर मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट का नाम है onlinesoftware.com। तो इसमें देखो, बेसिक से बेसिक के बाद माई सीक्वल यानी बहुत एडवांस है, फायर बेस है, एसक्यूएल लाइट है, प्ले स्टोर पुश नोटिफिकेशन, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स। तो इसमें बात ऐसा है कि आपने जो है ना इस पर क्या करना है, सिर्फ क्लिक करो। तो इसके बाद इसमें सारा डिटेल हमने एक एक स्टेप्स को डिस्कस किया था, लेकिन मैंने इसमें ये कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2-3 लाइनों में रिस्पॉन्स दिया, यानी ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिख दिया, क्योंकि फिर ज़्यादा लिखने से लोग तंग हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना आप जब भी देखते हो तो 2-3 लाइन में मैंने रिस्पॉन्स किया था। ये देखो, ये 3 में मैंने डिफरेंस बताया, ब्लॉग क्या है, ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगिंग क्या है। इसके बाद ये देखो, इसमें मैंने स्टेप वाइज यानी एक एक स्टेप्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इधर से भी
कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो। आप मेरे सोशल मीडिया एक पेज है, इसके साथ भी आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये यूट्यूब का चैनल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।